मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पोयम 10 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है भारत गौरव। इस काव्य को लिखने वाले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था एवं इनका निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा एवं विष्णु प्रिया। इसके शब्द अर्थ हैं सिर मोर मतलब श्रेष्ठ, विधि मतलब ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि के इस संसार की रचना की है वह देवता, अधोगति दया जनक दशा जिस पर दया आ जाए ऐसी स्थिति, स्वार्थ रत केवल अपना ही लाभ देखने वाला। स्टूडेंट्स हमारे काव्य का शीर्षक है भारत गौरव, तो आप शीर्षक पढ़कर समझ गए होंगे कि हमारे कवि ने इसमें भारत देश का गुणगान किया है। आपने देखा होगा काव्य की पहली लाइन ही कि प्रकृति का लीला स्थल पुण्य भूमि है कहाँ, वहां पर इस लाइन के साथ उन्होंने क्वेश्चन मार्क रखा है, प्रश्नार्थक चिन्ह रखा है। वह पूछ रही कि ऐसी धरती है कहाँ और कवि ने खुद जवाब दिया है कि वह भूमि भारत की भूमि है। अब हम हमारा काव्य का सरल भाव देखते हैं। सबसे पहले भूलोक भारत वर्ष है कि वह धरती कौन सी है, भारत देश की वह धरती है जहां पर कई विधाओं ने जन्म लिया। यहाँ पर गंगा नदी जैसी पवित्र धारा है, उस नदी का पानी सब पीते हैं और उसमें नहाकर लोग ये अनुभव करते हैं कि जैसे सारे पाप धुल गए। इस गंगा नदी के पानी से ये माना जाता है कि इसमें इस नदी में जो नहा लेता है उसके शरीर पे होने वाले सारे रोग दूर हो जाते हैं। इस नदी के पवित्र जल से घर की शुद्धि की जाती है, तो ऐसी नदी कि जिसका जल सारे भारत देश को हरा भरा रखता है और दूसरा हिमालय पर्वत कि ऐसा पर्वत जहाँ है जहाँ ऋषि मुनियों ने सालों साल बैठकर तपस्या की, ऐसी भूमि कौन सी है, भारत देश की वह भूमि है जहाँ पर गंगा नदी की पवित्र धारा बहती है और जहाँ पर हिमालय जैसा
विशाल पर्वत है। अगला, हाँ वृत्त भारत पर विस्तार है। कवि कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि हमारा भारतवर्ष सबसे प्राचीन देश है। ये बूढ़ा हो गया है फिर भी ये बूढ़ा नहीं है, सबसे प्राचीन है। यानी कवि का कहने का मतलब सबसे पुराना है, ये बूढ़ा हो गया है लेकिन ये बूढ़ा नहीं है। इसका विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ है। यहाँ कई जाति धर्म के लोग रहते हैं और इसका विस्तार पवित्र है। कहीं पे भी जहां जहां ये भारतवर्ष की भूमि है वहां पर पवित्रता देखने को मिलती है। यह पुण्य भूमि कुछ है खड़े भारतवर्ष की भूमि सदा सदा से पुण्य है। यहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, कई ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या से यहाँ पर ऐसी चीजें प्राप्त की कि जिसको आज दुनिया मानती है। इस देश की जो भूमि है वह पुण्य है। कहने का मतलब कि यहाँ पर राम भगवान हुए, यहाँ पर कृष्ण भगवान हुए और ऐसे ही कई सारे संत साधु हुए कि जिन्होंने कई बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। यहाँ पर आर्य जाति की आई और ये आर्य जाति ने अपने कला कौशल चारों तरफ बिखेरे, जैसे कि नाट्य कला, लेख कला और चित्रकला, ये सब इन्होंने सारे संसार में बिखेर दिया। आर्य जाति ने ही यहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान बनाए कि जो पवित्र कहलाए। हमारे कवि यही कहना चाहते हैं कि इसी धरती की कला कौशल चारों तरफ फैले और आर्य जाति ने भारत वर्ष का विस्तार किया। वे आर्य सत्य थे कभी। इसमें कभी कहना चाहते हैं कि वे आर्य कभी भी हार नहीं मान सकते थे। वह हमेशा निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करते थे। अपने लाभ से पहले उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। ऐसी भूमि है कहाँ? ऐसी भूमि है भारत वर्ष की, भारत की है जो वृद्ध हो गया है, सबसे प्राचीन है लेकिन वह बूढ़ा नहीं है। आज भी वह हर विषय पर तरक्की कर रहा है। आज भी यहाँ पर कई बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया है और वह भारत वर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कल्पना जो उन्होंने भारत देश के लिए सोचा, जाना
वह उन्होंने अपनी कविता में अपने शब्दों में उतार दिया। स्टूडेंट्स, काव्य बहुत सरल है और इसकी भाषा भी बहुत सरल है। अगर आप एक बार यह काव्य को पढ़ोगे तो इस काव्य का भाव आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस काव्य के प्रश्न उत्तर, कहने का मतलब पूरा स्वाध्याय आपको 3 से 4 दिन में करके बता देना है। हर चैप्टर कराने के बाद आपको मैं 2, 3, 4 दिन का समय देती हूँ। फिर भी आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वह अपना काम समय पर नहीं भेजते। मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि हमें बार बार बड़े बच्चों का नाम लेकर बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप लोग भी अपने बच्चों को कहो कि समय पर होमवर्क भेज दे। सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का होमवर्क समय समय पर भेज दे। आप भी हमारा सहयोग करें तो बच्चा जरूर अपना कार्य पूरा करेगा। स्टूडेंट्स, आप लोग फिर से एक बार कह रही हूं कि अपना काम समय पर भेजो, जिससे कि हमें आपके मार्क्स रखने में आसानी हो। एक बार फिर से कह रही हूं कि काव्य को आप पढ़ना और आपको इस कविता का भाव आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।